अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राना शेफ इंटरनेशनल। कैसे हैं आप सब? और आज आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें, साग साथ में मक्खन, और ये लस्सी बनाई है। लस्सी का ही बहुत मज़ा आता है, और साग के साथ रोटी है मकई की। तो जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर खाने का साथ मज़ा भी आएगा। साग के साथ मक्खन भी हो और रोटी भी मकई की हो, मज़े की पराठा बनाओ हो। और साथ में ये देखे, मैंने राइस भी रखे हैं और ये ग्रेवी भी रखी हुई है, और खाने का मज़ा लस्सी साग। साग जो होता है ये बेसिकली गर्म होता है, ताकतवर होता है, और ये जो मकई की रोटी है ये भी गर्म और ताकतवर है। लस्सी जो है ये पीनी चाहिए सर्दियों में भी, देगी ये ठंडी होती है ताकि आपके गुर्दों को भी सही रखती है, ये मेदे को भी ठंडा रखती है, पानी की कमी नहीं होती। अब ये देखे, मैंने एक कप मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर का, मकई का आटा वाइट वाला। अब उसको अब मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे, ये देखे, साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगा रहा हूँ इस तरीके से। ये इसको आटे की तरह हमने गूंद लेना है अच्छे तरीके से, ऐसे ये गूंदा गया है। इसमें मैंने ऑयल डाला था, और ये देखे ये बिल्कुल आटा तैयार हो गया है जो मैंने इसको गूंदा है, देखे। तो अब इन पेड़ों को हमने इसके ऊपर, मैं रोटी को हाथ से फैला देता हूँ उसके ऊपर ही, बगैर चक्का बेलने के। और ये देखें, ऐसे हाथ से करेंगे तो बड़ी आसानी से नीचे हल्का सा आटा लगाया था कि नीचे ना चिपके। तो ये देखें, रोटी इस तरीके हाथ से उसके ऊपर ही बन गई है। तो अब मैंने तवे के ऊपर डाल दी, और इसको हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे, तो इससे फिर जो है ये पराठा बड़ा अच्छा मज़े का बन जाएगा, जल्दी पक जाता है, नीचे भी नहीं लगेगा। ये ऑयल का काम ये होता है कि रोटी को जल्दी पका देता है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से मैंने ये हल्का हल्का ऑयल लगा दिया। तो ये देखें, हल्का हल्का, तो मकई की रोटी को जो है खाना ज़रूर चाहिए साग के साथ, सर्दियों में बहुत मज़ा करती है। तो ये देखें, एक साइड इसकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और दूसरी साइड भी जो इसकी हाफ़ डन हो चुकी है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आम लोग घरों में, ये तो औरतें बनाती हैं अक्सर घरों में, ये चीज़ बनाई जाती है। तो साग का मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, वो मैंने लिंक दे दिया है। तो साथ में ये जो लस्सी या मक्खन बनाने का जो है, वो मैंने वीडियो इसमें लिंक में दे देता हूँ कि मक्खन कैसे बनाना है। दही लेकर, दही बाज़ार से ले लें, या दूध लेकर उसके दही बना लें, उस पर मक्खन निकालें। ये देखें, साथ पराठा मक्खन, और ये कितना मज़े का लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।